is our English language period. Today's date is 5th of July 2021. Today is Monday. Okay, students. In the last period, we have completed question number A. Now you know what are pronouns, hai na? Pronouns are those words which comes instead of nouns. Okay, students. Now we are going to see question B today. Okay, page number 33 and question B is there. See now, what is the subject of this question? Question ka vishay kya hai? Dekhiye, Raman went to Manali with his family for his holidays. Raman is a boy who went with his family in the holidays. रामन एक लड़का है वो जो मनाली गया है अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए. From there he wrote a letter to his friend गगन. वहां से उसने अपने दोस्त को गगन को, क्या नाम है दोस्त का? गगन. What is the name of his friend? रामन's friend गगन. गगन को क्या दिया है, क्या लिखा है? उसने एक खत लिखा है वहां से, मनाली से. Help him complete the letter. आपको क्या करनी है, वो लेटर मतलब वो जो खत लिखा है उसने, चिट्ठी जो लिखी है गगन को, वो कंप्लीट करने में, पूर्ण करने में, उसकी पूर्ति करने में आपको उनकी उसकी मदद करनी है. मीन्स यू हैव टू फिल द प्रोनाउंस इन प्रॉपर प्लेसेस. यू अंडरस्टैंड? सी द ब्लैंक्स आर गिवन देयर, है ना? क्या क्या है वहां पे? रिक्त स्थान है. वहां पे आपको उसकी मदद करनी है प्रोनाउंस करेक्टली भरकर. समझ में आया? नाउ सी, डियर गगन, प्रिय गगन, हाउ आर डैश डैश. अभी गगन से पूछा है, किससे पूछा है? गगन से पूछा है रामन ने, हाउ आर, तो कौन सा प्रोनाउन आएगा? विच प्रोनाउन विल कम? यू. ओके, सो द आंसर इज You. Okay, you understand? Beta. Okay, students. How are you? तुम कैसे हो? प्रिय गगन, तुम कैसे हो? Dads are having a great time here. यहाँ पर हम अपना बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं. ओके, हम आएगा अभी क्योंकि वो परिवार के साथ गया है, है ना? रामन इज विथ हिज फैमिली इन मनाली फॉर हॉलीडेज, है ना? सो हियर कम्स द प्रोनाउन वी, डब्ल्यू कैपिटल, बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, है ना? दैट्स व्हाई वी इज द करेक्ट प्रोनाउन हियर. नेक्स्ट, मनाली इज वेरी ब्यूटीफुल. दैट हिल स्टेशन मनाली इज वेरी ब्यूटीफुल. मनाली बहुत सुंदर है. अभी वो वहां का वर्णन कर रहा है. कौन? रामन गगन को लिख रहा है. देयर आर माउंटेन्स एवरीवेयर, हर जगह पर. एवरीवेयर मतलब हर जगह. माउंटेन्स यानी पर्वत. देयर आर माउंटेन्स एवरीवेयर, हर जगह पे पर्वत ही पर्वत है. सब जगह पे पर्वत है. माय फादर, मेरे पापा, लव्स इट हियर, मेरे पापा को यहाँ बहुत अच्छा लगा. हियर, हियर मतलब यहाँ. मेरे पापा को यहाँ बहुत अच्छा लगा. डैश हैज टेकन मेनी फोटोग्राफ्स ऑफ द हिल्स. उन्होंने क्या किया? उन पर्वतों के बहुत सारे फोटो निकाले, है ना? तस्वीरें निकाली. नाउ माय फादर, फादर फॉर फादर वी यूज ही, है ना? यस, वी यूज द प्रोनाउन ही. ही हैज टेकन मेनी फोटोग्राफ्स ऑफ द हिल. उन्होंने. नाउ नेक्स्ट, मदर, मदर इज अ लेडी, है ना? मदर से, मदर से says the apples here are very tasty. माँ कह रही है यहाँ के सेब बहुत स्वादिष्ट है. ओके, डैश डैश plans to buy a whole box when डैश डैश leave from here. अभी मदर है,
तो वहां पे मदद के लिए हम क्या यूज करेंगे? शी, ये प्रोनाउन हम यूज करेंगे मदद के लिए. ओके, शी प्लान्स टू बाय अ होल बॉक्स. वो नियोजित कर रही है कि वो एक बड़ा सा बक्सा लेकर जाएंगी. व्हेन, जब हम वी यहां से लौटेंगे, यहां से जाएंगे, तब वो सोच रही है कि वो अपने साथ सेब का एक बक्सा ही लेकर निकलेगी. ओके, नेक्स्ट, स्मिता लव्स द रैबिट. स्मिता इज अ सिस्टर ऑफ रामन. स्मिता कौन है? रामन की बहन है. स्मिता लव्स द रैबिट. स्मिता को वो खरगोश बहुत पसंद आए, मतलब वहां पे जो खरगोश थे वहां के खरगोश बहुत पसंद आए. That. Now, Smita. Smita is a girl. Girl's name. That's why we use the pronoun she here as capital. She keeps asking the owners. Owners means घर के मालिक. Okay? घर के मालिक हो गया जहाँ पे उन्होंने रूम लिया था, लिया है छुट्टियों के लिए, वो वहाँ के मालिक. ओके, द ओनर्स टू लेट हर कैरी दैट डैश. अभी रैबिट्स है, द रैबिट्स, हाँ प्लूरल. रैबिट्स क्या है? रैबिट, रैबिट्स एक वचन, बहुवचन. तो यहाँ पे रैबिट्स बहुवचन आया है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? कैरी देम, मतलब रैबिट्स को, खरगोशों को. नाउ सी, see the meaning of that. She keeps asking the owners. वो घर के मालिकों को continuously पूछती रहती है, कहती रहती है to let her carry them. उनको उठाने के लिए वो क्या करती रहती है? हमेशा जिद करती रहती है. Okay? The owners, Mr. and Mrs. Gupta, are very kind. वो घर के जो मालिक है, Mr. and Mrs. Gupta, वो बहुत दयालु है. Okay, students? Now, this is the sum part of this paragraph. I will write the next lines for you. Okay? Now see. The next lines are on the blackboard. Okay? Once again, I am reading the previous sentence for you. What is that? The owners, Mr. and Mrs. Gupta, are very kind. घर के जो मालिक है Mr. and Mrs. Gupta, वो बहुत दयालु है. डैश डैश अलाउ हर, अभी वो Mr. and Mrs. Gupta, एक से ज्यादा है लोग, है ना? For the persons who are more than one. What pronoun we use there? Yes. We use they there. Okay? एक से ज्यादा लोग हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएंगे? They. Mr. and Mrs. Gupta, दो लोग हैं, इस वजह से उनके लिए कौन सा प्रोनाउन हमने यहाँ पे यूज किया? They. Okay? They allow her. Allow मतलब परमिशन देना. Okay? To allow means to permit. और in हिंदी अनुमति देना. They allow her. Rabbits every day. Okay? They allow her. वो उसको, उसको किसको? हर मतलब स्मिता को, है ना? गगन की बहन को अनुमति देते हैं. इसलिए to play with the rabbits every day. रोज उन खरगोशों के साथ खेलने के लिए वो Mr. and Mrs. Gupta दोनों ही उसको क्या करते हैं? अनुमति देते हैं. One of the rabbits, उन खरगोशों में से एक खरगोश, is especially friendly, विशेष रूप से बहुत ही प्यारा है, friendly है, मतलब दोस्ती पूर्ण व्यवहार रखता है वो, है ना? Dash dash loves to eat carrots. Dash dash loves to eat carrots. One of them, one. रैबिट में से एक ही रैबिट, तो उस रैबिट के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट इज एनिमल, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर ईट. इट लव्स टू ईट, इट लव्स टू ईट कैरेट. उसको कैरेट्स खाना बहुत पसंद है. ओके, नाउ डैश डैश लाइक टू हाइकिंग अप द माउंटेन्स. अभी किसको
माउंटेन्स पे पर्वत पर्यारोहण करना अच्छा लगता है। पर्वतारोहण करना किसको अच्छा लगता है? अभी कौन गया है वहां पे? गगन। सो हियर ही इज गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ ओनली। हाँ, वो अभी खुद के बारे में क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है। आई लाइक टू हाइकिंग अप द माउंटेन्स, मुझे पर्वतारोहण करना पसंद है। ओके, वंस अगेन आई, फिर से वो बोल रहा है, आई विश, मुझे ऐसे लगता है यू वेयर हियर, मुझे ऐसे लगता है अगर तुम यहाँ होते तो कितना अच्छा होता है ना। दैट कुड डू सो मेनी थिंग्स टुगेदर, हम एक साथ बहुत सारी चीजें करते। मैं मतलब गगन और मैं मतलब रामन और तुम मतलब गगन, मतलब हम दोनों मिलकर क्या हुआ? डब्ल्यू वी, दिस प्रोनाउन वी यूज हियर, तुम अगर यहाँ होते तो मैं और तुम मतलब हम कुड डू सो मेनी थिंग्स टुगेदर, बहुत सारी चीजें एक साथ करते। लव, यहाँ पे उसने अपनी चिट्ठी कंप्लीट की है, लव तुम्हें प्यार रामन, रामन तुम्हारा दोस्त रामन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द लेटर वी कंप्लीट हियर विद द करेक्ट प्रोनाउंस। यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? हाँ, यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, हाँ, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस, देन व्हेन आई विल टेक अ जूम मीटिंग ना, देन यू विल टेल, हाँ, यू मस्ट टेल मी अबाउट दैट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल सी द क्वेश्चन सी नाउ। This question C, once again I am repeating, हाँ, this question C is for your classwork notebook, for your classwork notebook, हाँ, remember this thing. So I will start question C. You have to write this question C's answer in your classwork notebook, हाँ, okay. I am writing this question C on the blackboard, okay? Now students, look at the blackboard. Six questions are given on the six sub questions are given on the blackboard. And what is the main question? The question C: rewrite the following sentences using appropriate pronouns for the words that are highlighted. जो highlighted किए गए शब्द हैं, उन्हें आप क्या करेंगे? उनकी जगह पे आप appropriate pronouns use करेंगे, मतलब जहां पे जो pronoun, जो सर्वनाम आना चाहिए वो वही आना है, आपको वही भरना है। For example, see the dog, these words are underlined here, these are highlighted, okay, here Manjot and I, these words are highlighted, the monkey, Puneet and Brinda and Fatima, here I highlighted the words. For these words, you have to write the suitable pronouns. आपको यहाँ पे योग्य ऐसे क्या भरने हैं? सर्वनाम भरने हैं. Look at these nouns. हाँ, some are common nouns, some are proper nouns. You understand? But for the proper noun, what we use? Same things, okay? And for the common nouns also, we use the same things. But when the animal's name or when the thing's name comes or when the place's name comes, we use it there, okay? You understand? For the animals we use it, for the place we use it, for the thing we use it. But when boys' name comes, we use he. When the girls' name comes, we use she. Okay. When someone
person is present there and with him I means me also there, then we use we pronoun. And when two other persons are there, more than one, we use they there. Understand? Now we are going to start the sentences. See, the dog barks at the cat. Kutta billi par bhonk raha hai. Now what is the highlighted words? The dog. The dog is the animal. Dog is the animal. That's why we use here it, the pronoun it. So what is the answer? It, underline it, barks at the cat. Here we got the answer. Wo kutte pe bhonk raha hai. Wo means who? The dog. Wo kutta. Understand? Then next, Manju and I. Here these two nouns are highlighted. Manjot and I. Manjot मेरा दोस्त है ना, तो उसके साथ कौन हूँ? मैं. जब I आता है तो वो व्यक्ति और मैं मिलकर हम बन जाते हैं. That's why we use the pronoun there, we. We are going to the park. Manjot and I are going to the park. Manjot और मैं बगीचे के बगीचे में जा रहे हैं. और यहाँ पे what is the answer? We are going to the park. हम बगीचे में जा रहे हैं. Okay? बगीचे के लिए जा रहे हैं. Okay? The monkey. Next one is the monkey is sitting on the tree. वो बंदर पेड़ पर बैठा है. वो बंदर. It is a name of an animal. It is a name of an animal. That's why for the monkey we use here it. Okay? It is sitting on the tree. Full stop. It is sitting on the tree. Wo kahan baitha hai? पेड़ पर बैठा है. फॉर द मंकी वी यूज बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ एनिमल इज देयर. दैट्स व्हाई वी यूज इट फॉर दैट मंकी. ओके, वी यूज द प्रोनाउन इट फॉर दैट मंकी. इट इज सिटिंग ऑन द ट्री. नाउ द नेक्स्ट वन इज पुनीत एंड वृंदा आर ईटिंग पिज्जास. पुनीत और वृंदा पिज्जा खा रहे हैं. ओके, पुनीत एंड वृंदा. हाँ, टू अदर पर्सन, उनके बारे में बोला गया है तो उनके बारे में बोल रहे हैं हम. इस वजह से कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे यूज करेंगे? दे. ओके, पुनीत एंड वृंदा. बिकॉज हियर आई इज नॉट प्रेजेंट. इफ देयर इज पुनीत एंड आई देन इट बिकम्स वी. बट हियर टू अदर पर्सन आर देयर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट देम. दैट्स व्हाई हियर कम्स दे, द प्रोनाउन दे. पुनीत एंड वृंदा, दे. हम दूसरे दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे दे आएगा. अगर यहाँ पे पुनीत और मैं ऐसा आता तो हम यहाँ पे वी ये प्रोनाउन यूज करते. हम ये प्रोनाउन यूज करते लेकिन हम दूसरे दो लोगों के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दे ये प्रोनाउन आएगा. दे आर ईटिंग pizzas. Full stop. Okay? Now the next one. Fatima is going to sing today. Fatima. Fatima is the name of a girl. This is the highlighted noun here. है ना? Fatima. Fatima is the name of a girl. लड़की का नाम है ना? इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा? Which pronoun will we use? Which pronoun will we use? Yes. She. For Fatima, we will use here she. S capital. She is going to
wisdom. Fatima aaj gaane ja rahi hai. Now the sentence is she is going to sing today. Wo aaj gaane ja rahi hai. Matlab wo ladki aaj gaane ja rahi hai. So students, 6 sentences are complete here. One more is there. The vase is on the table. The vase is on the table. Vase ka matlab hota hai फूल रखने की, फूल रखने का बर्तन जो होता है उसे कहते हैं वास, फूलदानी जिसे हम कहते हैं. ओके, यू अंडरस्टैंड. द वास इज ऑन द टेबल. कहाँ है वो वास? टेबल पर है. ओके, जिसमें फूल रखते हैं ऐसा पात्र जो, उसे कहते हैं वास. द वास इज ऑन द टेबल. इट इज अ नेम ऑफ अ थिंग. वास क्या है? नेम ऑफ अ थिंग, एक चीज का नाम है. ओके, जिसमें हम फूल रखते हैं. ओके, ऐसा एक बर्तन जिसमें हम फूल रखते हैं. हाँ, अच्छा, तो द वास इज ऑन द टेबल. फूलदानी टेबल पर है. तो ये नाम है किसी चीज का, इसलिए हम उसके लिए यूज करेंगे इट. विच प्रोनाउन विल बी यूज? इट. इट इज ऑन द टेबल. What is the answer? It is on the table. Okay, students. And this 8th, 9th, and 10th examples, these 3 examples are for your homework. So, students, here we completed question C also. Question B and question C we have seen together. Seen here. Both questions together we have seen here. You know the answers, what are the pronouns and how we use in these sentences. You know it very well. Okay, students. Now the next subtopic we shall learn in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Stay home, stay safe. Bye.